जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको पीपरडाही रेलवे स्टेशन का लाइव टेलीकास्ट वीडियो दिखाने वाले हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं पीपरडाही रेलवे स्टेशन। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम खड़े हुए हैं अभी पीपरडाही रेलवे स्टेशन में, और आप यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड आपको तीन साइड में भी पीपरडाही लिखा हुआ दिख रहा होगा। साथ में आपको ट्रैक दिख रहे हैं और साथ में आपको एक पुल भी दिख रहा होगा जिसके ऊपर ओवरब्रिज जिसे मैं बोल सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड में ओवरब्रिज बनाए गए हैं जिसके ऊपर से गाड़ियाँ आती जाती हैं, और नीचे से ये ट्रैक आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। और मैं भी खड़ा हूँ ओवरब्रिज के ऊपर। आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन में जो बनाया गया है यात्रियों को आने जाने के लिए ये जो सुविधा बनाई गई है, मैं वहाँ से आपको यहाँ का लाइव टेलीकास्ट वीडियो दिखा रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ सिवनी चौरई तक का इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसमें पावर भी मतलब कि लाइन चार्ज भी कर दी गई है ऐसा बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, लाइन को चार्ज मिल गया है, मतलब कि सप्लाई अब चालू हो चुकी है, और दिन रात से टावर वैगन जो है इस कार्य में जुटा हुआ है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा पूरी लाइव वीडियो, यहाँ से छिंदवाड़ा तक का पूरा लाइव वीडियो मैं आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगा। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी एक ओवरब्रिज है, आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक ओवरब्रिज है, यानी कि दो दो ओवरब्रिज यहाँ पर बने हुए हैं। और मैं अभी ये रेलवे स्टेशन के ऊपर जो यात्रियों को आने जाने के लिए बनाया गया है, मैं उसके ऊपर से अभी आपको लाइव टेलीकास्ट वीडियो यहाँ से दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पूरा ये बनकर रेडी हो चुका है, ये पीपरडाही का रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं। चलिए आपको और दिखाते हैं नीचे से। आप देख सकते हैं ये पूरा बनकर रेडी हो चुका है, और साइड में भी आप देखेंगे यहाँ आइट साइड में पूरा आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये पूरा बनकर कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और लाइक कमेंट्स करना ना भूलिएगा, ताकि सारी जानकारी जो है हमारे वीडियो के माध्यम से सभी को मिल सके, और हमारे वीडियो से आप सभी को जानकारी मिलती रहे। आप देख सकते हैं मैं अभी यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ, और यहाँ से अब आ गया हूँ मैं नीचे, और आपके यहाँ से नीचे का लाइव टेलीकास्ट यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं पूरा रेलवे स्टेशन जो है बनकर कंप्लीट हो चुका है, और इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य जो था वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इन लाइनों में चार्ज भी दे दिया गया है ऐसा मुझे बताया गया है। और कुछ ही दिनों में सिवनी से चौरई, जी हाँ सिवनी से चौरई इलेक्ट्रिफिकेशन CRS जो है यहाँ पर होगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं अभी पीपरडाही रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा हूँ, और आप यहाँ देखेंगे ये पीपरडाही रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग जो कि यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। आप पूरा लाइव टेलीकास्ट यहाँ से देख रहे होंगे। यहाँ पर दो बड़े टीन शेड और छोटे टीन शेड भी यहाँ पर राइट साइड में बनाए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। यहाँ पर प्लेटफॉर्म में थोड़ी सी कमी हमें नज़र आई कि पूरी प्लेटफॉर्म में जो है गट्टू नहीं बिछाए गए हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे हर जगह गट्टू नहीं बिछाए गए हैं, मतलब किसी न किसी प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ कमी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। आगे भी आपको वीडियो दिखाएंगे, उनमें भी बहुत सारी कमियाँ हमें समझ में आई हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सीधी लाइन बस गट्टू बिछा दिए गए हैं, बाकी पूरा ऐसे गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है, जो बजरी वाली गिट्टी होती है उसे डालकर छोड़ दिया गया है आसपास। हो सकता है इस कार्य को भी बहुत जल्द पूरा किया जा सकता है CRS होने से पहले। ये आप देखते हैं ये है पीपरडाही रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग, यहाँ पर टिकट काउंटर भी है, और यहाँ यात्रियों को बैठने उठने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है।
जैसे कि दोस्तों आपको भी पता होगा कि सिवनी से छिंदवाड़ा के बीच में तीन चार ही ऐसे स्टेशन हैं जो कि बड़े स्टेशन हैं, बाकी सब छोटे स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ सामने से भी दिखा रहा हूँ, ये टीन शेड और सामने ओवर ब्रिज जो बना हुआ है यात्रियों को आने जाने के लिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा बनकर कंप्लीट हो चुका है। और लाइन भी आपको यहाँ दिख रही है इलेक्ट्रिफिकेशन की, जो कि वो भी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें चार्ज भी दे दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, मैं अभी ओवर ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ हूँ जिसके ऊपर से गाड़ियाँ आने जाने के लिए बनाया गया है, उसके ऊपर से आपको यहाँ से लाइव टेलीकास्ट वीडियो दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये पीपरडाही रेलवे स्टेशन है जिसका मैं वीडियो आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आपको सामने पीपरडाही रेलवे स्टेशन में दिख रहा होगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट वीडियो मैंने आपके वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बताए हैं, और आपको पूरा रेलवे स्टेशन भी यहाँ से घुमाया हूँ। ये ओवर ब्रिज है जहाँ से मैंने आपको यहाँ का वीडियो दिखाया था, जहाँ से आगे जाने पर एक लाइन हो जाती है, क्योंकि अभी यहाँ पर एक ही लाइन डाली गई है, टू लाइन हो सकता है कि बाद में भविष्य में बन जाए, हो सकता है। और आप ये पूरा देख रहे हैं पीपरडाही रेलवे स्टेशन। दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि सिवनी से चौरे के बीच की लाइव टेलीकास्ट वीडियो बनाइए, जो कि हमने इन कमेंट्स के आधार पर यहाँ पर आकर वीडियो बनाए हैं। आगे भी मैं अपने वीडियो डालते रहूँगा, अभी झिलमिली रेलवे स्टेशन का भी वीडियो आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पूरा रेलवे स्टेशन घुमाया और यहाँ की पूरी जानकारी दे दी है, और अब चलते हैं हम आगे के स्टेशंस और आपको दिखाएंगे आगे के स्टेशन की वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।